यूँ तो शहर हैदराबाद में कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लोग खौफ जदा रह रहे हैं, क्योंकि एक तो लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी के बाद केसों में इजाफा होते जा रहा है। लॉकडाउन के दरमियान जब 20 25 30 केसेस होते थे, लॉकडाउन में नरमी के बाद अब 100 से 200 तक केस पहुंच चुके हैं। एक तरफ आवाम खौफ में है जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स की तादाद बढ़ते जा रही है, दूसरी तरफ शहर हैदराबाद में इस कोविड-19 कोरोना वायरस से बचने के लिए जो लोग मास्क इस्तेमाल करते हैं वो गैर ज़रूरी बेजुमेदारी से जहां बोले वहां पर फेंक दे रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया हल्के चंदनगुट्टा हसन नगर बी ब्लॉक में पेश आया है। वहां पर एक पीपी कोट जहां जो पीपी कोट रोड पर पड़ा हुआ था, इसकी इतला मुकामी लोगों ने फौरी AIMIM पार्टी के सरगर्म लीडर सैयद हाजी और अहमदनगर के प्रेसिडेंट है उनको इसकी इतला दी। फौरी सैयद हाजी मौके वारदात पर आए और सबसे पहले मुकामी पुलिस को और बल्दिया को फ़ोन किया। बल्दिया और मुकामी चंदनगुट्टा पुलिस मौके वारदात पर पहुँच कर दूर से ही इस पीपी किट की इंक्वायरी शुरू कर दी है। उसके बाद बरहाल सैयद हाजी ने अपने लोगों के ज़रिए इसकी तहकीकात की तो वो पता चला है कि उस पीपी किट के ऊपर जो एयरपोर्ट का एक टैग था जो इंडिगो फ्लाइट से ताल्लुक़ रखता था। तो उसके बाद दरियाफ्त के बाद मालूम हुआ है कि वो किसी कार के कैब ड्राइवर ने इस पीपी किट को फेंका था। बातजा मीडिया से बातचीत करते हुए AIMIM के लीडर और अहमदनगर के प्रेजिडेंट सैयद हाजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए आवाम से ख्वाहिश की और गुजारिश की है कि वो इस पहले आवाम खौफ में डर में है और बेलापरवाही से ना काम करे। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि मास्क जहां बोले वहां पर रोड पर ना फेंके और ऐसे पीपी किट्स भी जो है अपनी सेफ्टी जगह पर फेंके। और उन्होंने अदबन गुजारिश की है कि मास्क खास करके लोग मास्क का इस्तेमाल कर बीच रोडों पर फेंक दे रहे, जिससे जानवर हो या छोटे मासूम बच्चे भी उस चीज़ को लेकर खेल सकते हैं। तो वो ख्वाहिश करते हैं, अदबन गुजारिश करते हैं आवाम से कि मास्क को बीच रोड पर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, ताकि किसी को कुछ ना हो, नुकसान हो। और जो पीपी किट का इस्तेमाल करने के लिए ख़ास करके कैब ड्राइवर जो एयरपोर्ट के पास है और दूसरों को दिया जा रहा है, जिस तरह से वो अपनी सेफ्टी देख रहे थे, आवाम की और हमारे शहर हैदराबाद की, तेलंगाना रियासत की और हिंदुस्तान की सेफ्टी देखे, आवाम की सेफ्टी देखे। उन्होंने गुजारिश की है कि मास्क हो या फिर पीपी किट हो, सही सेफ्टी जगह पर फेंके। हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की खास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद हाजी है, मैं MIM का वर्कर हूँ, अहमदनगर प्रेसिडेंट। आज जो है हुसैन नगर बी में हमारे यहाँ के लेडीज वर्कर नसरीन मैडम और इशरत मैडम जो है मुझे इतला दिए कि यहाँ पर जो है कोई कोविड-19 के पेशेंट को जो किट पहनाया जाता पीपी किट ड्रेस जो ब्लू ड्रेस वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उसके बाद मैं आकर देखा, देखने के बाद जो है GHMC वालों को बोला, माशाल्लाह वो लोग फौरी आ गए, 5 से 10 मिनट के अंदर वो लोग आ गए। आके देखने के बाद बोले साहब इसको हम नहीं उठा सकते, इसके लिए हमारी सेफ्टी नहीं है, हम इसको नहीं उठा सकते। फिर उसके बाद मैं एरिया चंदनगुट्टा के सर्कल साहब को फ़ोन करा और वो लोग भी जो है अपनी पुलिस की टीम को भिजाए। भिजाने के बाद जो है उसको पूरा, आप लोग मीडिया वाले भी आने के बाद आप लोग खुद जो है उसको खोद के निकाले कि कहाँ से आया है। जब उसके ऊपर जो है एयरपोर्ट का टैग था तो वो टैग के जरिए से मालूम हुआ कि ये कहाँ से आया, वरना 1 घंटे से हम लोग तो परेशान थे कि कौन ला के डाले। फिर मैं जो है यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो है झांसी रानी मैडम है उनसे कॉन्टैक्ट करा तो उन्होंने बोले हमारे पास से तो नहीं गया ये। तो बहरहाल आखिरी में ये मालूम हुआ कि इंडिगो का जो है उस पर टैग है। तो यहाँ पर हम बस्ती में मालूम करे कि भाई इंडिगो कौन चलाते हैं, ये जो है कार कौन चलाते हैं एयरपोर्ट की। तो मालूम हुआ एक साहब जो है बस्ती से जो है मैं बात करा तो उन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ पर मैं जो है गाड़ी साफ करके उसमें मैं यहाँ पे फेंक दिया था मैं। तो उसके बाद फिर पुलिस वाले भी उनसे बात करे तो भाई हमें गाड़ी साफ करके यहाँ फेंक दिया था उन्होंने। तो जो भी सबसे पहले तो एयरपोर्ट की गाड़ी चलाने वाले जितने ड्राइवर्स हैं, मैं आप तमाम मीडिया के जरिए से अदबन गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको अगर ये किट दी जाती है तो आप लोग इसको जहां बोले वहां पर ना फेंके। और जैसा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप मास्क का, और जितने लोग मास्क लगा रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है मास्क को जहां बोले रोडों पर ना फेंके, क्योंकि मुर्गियां बकरियां कुत्ते बिल्ले कोई भी पकड़ सकते, छोटे बच सकते। तो लिहाजा खुसूसन ये किट के लिए तो बहुत एहतियात करें और मास्क को भी जो है अपने तमाम लगाने वाले जो है घरों में जो है जो डस्टबिन है उसमें डस्टबिन में डालें, कचरे की कुंडी में डालें।
जहां बोले वहां रोडों पे ना फेंके और इस तरह से जो है लापरवाही ना करें, क्योंकि हर शख्स को चाहिए मेरी खुद की अपनी हिफाजत, मेरी फैमिली की हिफाजत, उसके बाद मेरे मुल्क की हिफाजत, क्योंकि मुल्क की हिफाजत करना हर एक की जिम्मेदारी है। अब माशाल्लाह जब से जो है ना ये कोविड का केसेस जो शुरू हुए हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट, बल्दिया का डिपार्टमेंट, दवाखाने का डिपार्टमेंट और आप हजरात मीडिया वाले भी माशाल्लाह जो है अपनी जान जोखिम में डाल के 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम पब्लिक भी जो है इन तमाम को कोऑपरेट करना चाहिए। मैं तमाम से जो है गुजारिश करूंगा कि अभी जो है लॉकडाउन के अंदर नरमी दी गई है लेकिन पेशेंट्स कम नहीं हो रहे हैं, तो हम तमाम मिलकर जो है एहतियात करेंगे। हुकूमत जो हमको एहतियात बता रही है उस पर हम अमल करेंगे, अपने आप को एहतियात के साथ रखेंगे, अपनी फैमिली को एहतियात के साथ रखेंगे, तो ये कोरोना से बच सकेंगे, क्योंकि कोरोना की लड़ाई किसी हुकूमत की या किसी अक्ष करें।